हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। तो बच्चों, आज मैं एक बार फिर से DVSK इंटर कॉलेज में मनोज कुमार यादव, तो आप लोगों के सामने, खासकर मैं कक्षा 11 की बात कर रहा हूं। तो कक्षा 11 की जो है जीव विज्ञान के बारे में जो भी मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, तो उससे आगे हम जो है आपको अगली वीडियो के बारे में प्रोवाइड करेंगे और हम पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम आपको क्या क्या चीज़ बताए हैं तो आप डिटेल से पढ़ी सकते हैं और जानते भी हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बच्चों, आज जो है बहुत ही बदरी का मौसम है, जिसके वजह से ये जो वीडियो बन रहा है इसमें थोड़ा सा मतलब ब्लैक है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर भी आपको दिख सकता है। ठीक बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे अगली टॉपिक हमको पढ़ना है। हम सजीव जगत की विविधता चैप्टर पढ़ रहे थे, लिख देते हैं अध्याय का जो हमारा नाम है। अध्याय क्या चीज है? सजीव जगत की विविधता। ठीक, इसी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। देखो बच्चों, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमें पढ़ना है, जो कि अब जाके हम आपको बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट इसका क्या क्या चीज़ है, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। चलिए, तो चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमें द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ना है। ठीक, हमें कौन सी हेडिंग पढ़नी है? वैज्ञानिक नाम द्विनाम पद्धति नामकरण। देखिए, देखना है वैज्ञानिक नाम, जिसको हम कह सकते हैं द्विनाम पद्धति। ठीक, हमें इसी के बारे में पढ़ना है और लास्ट हेडिंग बच्चों आपका यही बचा हुआ है। ठीक है, और हमें इसी को पढ़ना है। तो बच्चों देखिए, इसमें पार्ट में यही बताया गया है कि हमारा जो है मतलब ये क्या चीज़ है। तो ये एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक अपनी पुस्तक के 10वें संस्करण में, मतलब 1758 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1758 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, अपने इस पुस्तक को जो है सिद्ध किया था। और वहाँ लिखा था कि वैज्ञानिक स्थिति के स्टेट में उन्होंने कहा था, वैज्ञानिकों का जो नामकरण यदि किया जाए तो वो द्विनाम पद्धति के अनुसार किया जाए। तो अब ये द्विनाम पद्धति जो है ये क्या चीज़ है, उन्होंने किस रूप में किया था? तो द्विनाम पद्धति जो होती है वो हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहली तो होती है वंश, दूसरी होती है उसकी जाति, और ये दोनों हमारे वर्गीकरण की सबसे छोटी और मूल इकाइयाँ हैं। पहली जाति, फिर दूसरी क्या है? वंश। तो जाति जो होती है ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, इससे मूल इकाई मानी जाती है। ठीक, तो चलिए देखिए, तो यहाँ यही कहा गया है कि लिनियस ने इस विधि का प्रयोग किया था। जैसे कुछ लोगों में बेटे के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ने की प्रथा होती है, वैसे ही लिनियस ने प्रत्येक जाति को दोहरा नाम दिया। क्या नाम दिया? दोहरा नाम दिया। ऐसे नाम में दूसरा पद जाति का तथा पहला वंश का नाम था, जिसमें उन्होंने इस जात से मिलती जुलती सभी जातियों को सम्मिलित किया। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखा है तो गौरैया को उन्होंने पैसर डोमेस्टिकस, मनुष्य को होमो सेपियंस, कुत्ते को कैनिस फैमिलीज आदि नाम दिए। ठीक, तो ये जो नाम दिए हैं ये कैसे कैसे दिए हैं ये हमको देखना है। ठीक, तो कौन थे? देखिए, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने 10वें संस्करण अर्थात 1758 ईस्वी में, ठीक है, 1758 ईस्वी में इस नई विधि का, नई विधि
का खोज किया था ठीक। इसमें उन्होंने बताया था उन्होंने पिता के साथ बेटे को जोड़कर द्विनाम पद्धति का निर्माण किया जिसे जाति जिसमें पहला नाम कह सकते हैं, दूसरा नाम जाति तथा पहला नाम वंश बताया। तो देखो बच्चों, यही चीज कहा गया है कि कैरोलस लिनियस ने क्या किया कि पहला नाम क्या बताया, पहला नाम उन्होंने वंश बताया तथा दूसरा नाम उसका जाति बताया। उन्होंने कहा कि एक पिता से बेटे का जो संबंध बनता है उसी आधार पर जो है उन्होंने द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया। ठीक है, तो चलिए देखिए किस रूप में किया है, हमें ये देखना है। तो बहुत ही बच्चों गर्मी हो रहा है क्योंकि बारिश होने वाली है ऐसी कंडीशन में। तो देखो कहा गया है कि वैज्ञानिक नाम द्विनाम पद्धति के रूप में कैरोलस लिनियस ने 10वें संस्करण 1758 ईस्वी में इस नई विधि का खोज किया था। उन्होंने कहा कि पिता के साथ बेटे को जोड़कर द्विनाम पद्धति का निर्माण किया। उन्होंने ऐसी स्थिति में बेटे के साथ पिता को जोड़कर एक द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है जिसमें कहा गया कि इसका जो दूसरा नाम वो जाति है और जो पहला नाम होगा वो वंश के रूप में जो है उन्होंने स्थापित कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो है बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं कैसे ये सिद्ध किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे यदि हम ले लें कुत्ते का ले लें, तो कुत्ते का हम लेते हैं देखिए, या फिर मानव का पहले आप ले लीजिए, मानव, अगर मानव का जो नाम हम लेंगे द्विनाम पद्धति के रूप में तो वो होगा होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, अब यहां पर ये जो नाम है ये हमारी क्या है, वंश है, और ये जो सेपियंस है वो क्या हो जाएगी, जाति हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से कुत्ता है, ये इसका नाम है कैनिस, क्या नाम है, कैनिस फैमिलीज। अब ये भी क्या चीज है, वंश, और ये क्या है, जाति से रिलेटिव है। ठीक, तो यही कहा गया है कि द्विनाम पद्धति में कैरोलस लिनियस ने बताया कि जो पहला जो शब्दावली नाम होगा वो वंश रिलेटिव होगा और दूसरी जो शब्दावली नाम होगी वो क्या होगी, जाति से रिलेटिव होगी। तो उन्होंने इस चीज के बारे में बताया जिसे हम द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं, द्विनाम पद्धति के नाम से उसे हम जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से पौधे और जितने भी जंतु हैं सभी के बारे में कैरोलस लिनियस ने स्थापित किया था। ठीक है, तो फिर चलिए आगे हम देखते हैं। तो बच्चों आपके चैप्टर में इतना ही था, बाकी सब टॉपिक जो है चेंज हो गया है, ख़त्म हो गया है, ठीक, मतलब कट गया है। तो बच्चों आपको होमवर्क के रूप में यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, तो हम होमवर्क के रूप में आपको देंगे जो आप हमें बताएंगे। ठीक बच्चों, तो आगे बच्चों देखिए हाइबेरियम के बारे में तो ही आपका जो है सब खत्म हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, होमवर्क आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद बच्चों अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक, ये जीव जगत क्या चीज है
इसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमको जरूर बताएंगे। ओके, तो बच्चों यही सब है, इस तरीके से हमें जो है पढ़ना है। तो और बच्चों देखो, अगले चैप्टर में हम जो है इस अभी हम व्हाट्सएप पे आपको जो है होमवर्क के रूप में जो है दे देते हैं, जिसे आप कर सकते हैं। और बच्चों ये जी बताया गया है कि होमवर्क करने के बाद आप लिख के कॉपी पे आप उसका फोटो स्क्रीन खींच के आप व्हाट्सएप पे जो है हमें देंगे, हम चेक करेंगे कि बच्चे कौन कौन बच्चे पढ़ रहे हैं, सबके बारे में हम जानकारी आपकी लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, अगला चैप्टर हमारा है जीव जगत का वर्गीकरण। तो हमारे जीव जगत में पांच प्रकार के जो है इसमें जीव पाए जाते हैं और उनको पांच श्रेणियों में रखा गया है, ठीक। तो इसको हम जगत कहते हैं, किंगडम के रूप में कहते हैं। पहला जो होगा वो मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा जो होता है वो कवक होता है, और चौथा पादप, पांचवा जंतु होता है। मतलब मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और कौन हमारा जंतु। तो पांच प्रकार के हमारे जगत होते हैं, जिसमें अब जंतु कहते हैं जितने भी प्राणी हैं उसमें अध्ययन किया जाएगा, और जो पादप होंगे जितने भी पौधे होंगे छोटे से लेकर बड़े तक उसके अंदर का अध्ययन किया जाएगा, और जो मुनेरा होगा मुनेरा के अंतर्गत जितने भी जीवाणु सब होते हैं ये सब का अध्ययन किया जाएगा, और प्रोटिस्टा एक ऐसा प्राणी जिसमें प्रोटोजोवा संबंधी जितने भी प्राणी हैं उसमें इसका अध्ययन किया जाएगा, और कवक जो होते हैं कवक रूपी जो प्राणी होते हैं जैसे फंजाई हो गया, जैसे दहिया जैसे आप कहते हैं ना गाँव में लग जाता है चारों चार में, तो ये सब जितने हो जाएंगे ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो जितना भी पार्ट है सब आपको इसमें डिटेल से बताया जाएगा, बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आपका चैप्टर खत्म हो गया है, आगे हम होमवर्क में आपको हर चीज़ बता देंगे डिटेल से। ओके बच्चों, धन्यवाद, बाय।